नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी द राइट वे में। आज हम देखेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में एंड स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन। तो एलुवियल सॉइल का जब हमने पढ़ा तो हमने क्या देखा कि जो हिमालय की पर्वत शिखर है उसपे से जो पानी के साथ बह के मिट्टी आती है और उसके तीनों कंटेंट भी हमने देखे और वो जिस पार्ट में फैली है, ये ब्लू रीजन दिख रहा है आपको, तो वो एलुवियल सॉइल है। अब इसके फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं कि ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन क्या है। तो इट इज बिलीव कि ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है क्लाइमेटिक कंडीशंस और दूसरी है पेरेंट रॉक। अगर आपने नोट किया होगा तो ये वो बेल्ट है, ये ब्लैक सॉइल वाला, जहां पे वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से ये लैंड का फॉर्मेशन हुआ है और वहां पे बेसाल्ट जो रॉक है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका लोकेशन की तरफ जाते हैं और मैं आपको फिर से याद दिला दूं, लोकेशन को समझना बेहद जरूरी है क्योंकि इस पे आपको क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले हैं और आप सिर्फ नाम रट के नहीं होगा, आपको वो मैप में लोकेट भी करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले लोकेशन को समझते हैं दोस्तों, ये क्या है, कहां पे है ये। तो ये जो अपना डेक्कन प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू यानी ये नीचे वाला भाग, डेक्कन प्लेटू के नॉर्थ ऊपरी और ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट, क्षमा कीजिए, नॉर्थ और वेस्ट पार्ट में ये सॉइल पाई जाती है। अब इसको अगर स्टेट वाइज लोकेट करें तो आपको पता चलेगा कि ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, ये दिख रहा है, ये पार्ट जो है वो महाराष्ट्र का पार्ट है। उसके बाद गुजरात के कुछ भाग जैसे कि सौराष्ट्र और सौराष्ट्र, ये मालवा पार्ट है, फिर ये एमपी और छत्तीसगढ़। तो इसको याद रखने का एक तरीका भी मैं बताता हूं दोस्तों, एटलीस्ट शुरुआत आपको याद रहेगी। महाराष्ट्र है तो म से शुरू करो मालवा और राष्ट्र को के पीछे सौ लगा दो तो सौराष्ट्र। तो पहला नाम आपको अगले दो नामों की याद दिलाएगा, हायाना, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा। फिर और एक आधी ट्रिक लगा दो आप, एमपी छत्तीसगढ़ वो तो राइट हैंड में ही है तो डेफिनेटली आपको याद आएगा, ये सेंटर पार्ट है। अब आगे देखते हैं इसका कंटेंट क्या है। अब सॉइल कौन सी है दोस्तों, काली सॉइल है। अब कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम और लाइम। इसको भी याद रखने की एक सिंपल ट्रिक बताता हूं, काली सॉइल में क्या क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जस्ट इमेजिन करो कि इस मिट्टी को मेरे काका ने एक पॉट में डाला, किसमें डाला, पॉट में डाला, पॉट, और साथ में उसने दूसरे हाथ में मग्गा पकड़ा, क्या पकड़ा, मग्गा पकड़ा, जिसमें उसने लाइम भर के रखी है, क्या भर के रखी है, लाइम भर के रखी है। तो दोस्तों स्टोरी के माध्यम से हम आसानी से याद कर पाते हैं चीजों को, तो मुझे विश्वास है कि ये काका कैल्शियम कार्बोनेट काली मिट्टी का, तो आप लिंक में नहीं भूलोगे, कुछ नहीं भूलोगे। तो काका ने पॉट में मग्गे से लाइम डाला जिसमें मिट्टी पहले से थी, क्या थी, काली मिट्टी। आगे देखते हैं दोस्तों इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, काली मिट्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है दोस्तों, देखिए ये वाटर को ना काफी देर तक पकड़े रखती है, वाटर को काफी देर तक पकड़े रखती है और जब वो सूख जाती है, जैसे मान लो मई के महीना में अगर काली मिट्टी देखोगे आप या ब्लैक सॉइल देखोगे तो उसमें बहुत सारी क्रैक्स नजर आएंगे। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि काली मिट्टी होती कैसे है। मान लो आप अगर आपने कई बार देखा होगा आपकी मम्मी जब रोटियां बनाती है तो गेहूं का पीठ जब वो पानी मिक्स करती है तो काली मिट्टी उसके जैसे होती है, चिपक जाती है वो। और जो हम ड्राई काली मिट्टी की बात करते हैं वो बिस्किट के जैसे होती है, क्रैक हो जाती है, समझ रहे हो दोस्तों, आसानी रहेगी। अब इस वजह से अगर वो पानी को बहुत ज्यादा मात्रा में सोखती है तो उसका परिणाम क्या होता है कि पहली बारिश के बाद तुरंत वहां पे बुआई करनी पड़ती है, सोइंग करनी पड़ती है, अदरवाइज वहां पे चिकड़ हो जाता है और चिकड़ की वजह से उसमें काम करना मुश्किल हो जाता है। तो ये जरूरी है। और वहां पे कौन से आते हैं दोस्तों, ऐसे प्लांट्स जहां पे पानी की जरूरत होती है या जिनको पानी वाटर रिटेन करने वाली जो लैंड है वो सपोर्ट करती है। तो ये कौन से है कि काली मिट्टी में सफेद कॉटन। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो दोस्तों। और शुगर केन से भी काला गुड़ मिलता है बट हमें मिलती है सफेद शुगर, है ना, व्हाइट शुगर। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो दोस्तों। अब हम सीखें